जय जिनेन्द्र, मेरा नाम कीर्ति जैन है। आज मैं शिवजी की दाबेली बनाने जा रही हूँ, जो बच्चों बड़ों सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। मैं सर्वेश्वर ग्रुप को धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस प्रतियोगिता को आयोजन किया है और जिसे स्पॉन्सर किया है, धनश्री फर्नीचर और जय इंडस्ट्री। आइए चलिए हम सूजी की दाबेली बनाते हैं। सूजी का गोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें सूजी लिए, डेढ़ कटोरी, एक कटोरी दही लिया है, नमक लिया है, मीठा सोडा लिया है और पानी लिया है। सूजी लिए हमने, अब इसमें हमें ये घर का ताजा दही लिया, मैंने ज्यादा खट्टा भी नहीं है दही। अब इसका हम गोल बना रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, इसका घोल जैसे हम उत्तपम इडली जैसा बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे। अब हम सूजी को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं ताकि हमारी सूजी अच्छी फूल के तैयार हो जाए। अब हम केले का मसाला बनाने के लिए दो केले बॉईल करके रख दिए, इसको मसल कर रख दिए। अब इसमें हम हींग, राई, जीरा, हरी मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च और भुने हुए सिंग दाने, चाट मसाला, अनारदाने और हरी चटनी। अब हमारा तेल गरम हो गया है, हम इसमें हींग डाला, राई डाल रहे हैं, जीरा डाल रहे हैं, हरी मिर्ची डाल रहे हैं। नमक डाला, मिर्ची स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा मसाला भून गया है, अब हम इसमें केले का इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे केले का मसाला मिक्स हो गया, अब हम सिंग दाने डाल के इसको मिक्स करके हम इसको मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे, गैस बंद कर देंगे। जी फूल के तैयार हो गई है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हम चाट मसाले का भी काम में लेंगे, और ये मीठा सोडा डाल के इसको ज्यादा नहीं हिलाना इसको। अब हमारा पैन गरम हो गया, मैं घी का काम ले रही हूँ। पैन गरम हो गया, अब इसको हम बीच में डाल के इसको फैला देंगे। अब हम इसमें हरी चटनी लगा देंगे। अभी इसमें केले की टिकिया जैसे गोल बना के अब हम अनारदाने
चाट मसाला डाल रहे हैं। इसको हम वापस इसके ऊपर ये सूजी की बिल्कुल पतली परत जैसा ही करेंगे। हमारा ये सीज गया, अब हम इसको पलट देंगे। अभी हमारा बन के तैयार हो गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसको गरम गरम ही सर्व कर देंगे। अब हमारा ये रेडी हो गया है, अब हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी